पानीपत में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की रेप पीड़िता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। छात्रा को अगवा कर उसके साथ रेप किया गया था। आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी युवक की मां और पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। सारे कुछ आपको डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, ना पोस्टमार्टम हो रहा। कल से आए हुए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा जी। किसी को गिरफ्तार किया अब तक? 16 तारीख की बात है, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी, वो खुले घूम रहे। हमें तो और खतरा है कि हमारे दूसरे बच्चे को भी उठा ले जाएंगे, वो तो हम बताओ क्या करें। कितने आरोपी थे और उसमें को, मतलब जो आप कह रहे हो एक किसी को दे के आए हैं, वो क्या नाम है उसका? अरविंद नाम है। तो लड़की की माँ जब घर पे आई थी लड़के की, तो धमका के गई थी या लड़का भी था साथ? बाहर गली में, गली में आई। कौन कौन आए थे उसके साथ? उसकी माँ थी, उसकी माँ थी जी। कौन कौन आए थे सर? उनको नहीं जानता, माँ तो जानते। अच्छा, माँ क्या बोल के धमका, क्या बोला था माँ ने? उसने बोला कि फैसला कर लो तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। कौन से लड़के की माँ आई थी? वो मनीष की। उसके कितनी देर बाद किया फिर लड़की ने ये सुसाइड? वो सवेरे आई 8:30 बजे के लगभग, लड़की ने सुसाइड करी करी 1:15 बजे। ये है कि अभी 16 तारीख को उसके जब पड़ोस में रहने वाला कोई मनीष नाम का लड़का, उसे दो साथी कोई हिजाने के साथ में उसको दुष्कर्म किया गया था, उस पर ऑलरेडी 376 की उसको 4 विभिन्न धाराओं में मदद कर रखे उनके खिलाफ। और उसके बाद कल सुबह चुपचाप उसने हैंगिंग कर ली, अपनी सुसाइड कर ली, आधा घंटा फांसी ले गए। और बाद में जब पता चला कि जो लड़का था जिसने घटना घटाई थी, उसकी मदर गई थी इनके घर पे, और उसके दबाव में तंग होने के कारण भाई राजीनामा करो इस बारे को सामने रिटर्न में दरखास्त दी थी इसके फादर ने, तो उस पर हमने अलग से एफ आई आर दर्ज करी 306 की उसकी मदर के खिलाफ। तो उसमें अभी आज पोस्टमार्टम हो रहा है और आगे जो तफ्तीश चल रही है उसमें कोई पीछे जो 306 उसमें धरपकड़ कर रही है पुलिस लगी हुई है। और अब अभी तक इस जो कल वाला एफ आई आर लोजी में अभी गिरफ्तारी बकाया है। कितने लड़के शामिल है सर दुष्कर्म में, कितने उसके लोग? वो उसमें सुनने में आया है, 2-3 लड़के बता रहे थे मानी ईश्वर, एक दो तीन मैंने ऐसा कि सुनने में आया था। कब तक गिरफ्तारी की संभव है? उसमें लगे हुए हैं पुलिस टीमें, व्यक्ति की गई हैं अफसर बालों के आदेश अनुसार, काफ़ी मतलब जल्दी इसमें सब कुछ गिरफ्तारियाँ सब कुछ हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।